सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। जी हाँ, ऐसी ही थी बहुमुखी प्रतिभा की धनी, आकर्षक व्यक्तित्व, आदर्श शिक्षिका, दूरदर्शितावादी, संवेदनशील, त्याग एवं सहनशीलता की प्रतिमूर्ति कवयित्री श्रीमती शांति गुप्ता जी। नमस्कार, मैं समता डोगरा मॉडल एकेडमी हिंदी डिपार्टमेंट से श्रीमती शांति गुप्ता सेंटर फॉर विमेन स्टडीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम श्रीमती शांति गुप्ता का काव्य संस्मरण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम सब शांति गुप्ता जी के काव्य संस्मरण द्वारा उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान से परिचित होंगे। आरोग्यं धन संपदा शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। इसी के साथ कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ वेलकम एड्रेस के लिए डॉक्टर रीटा द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कन्वीनर CWS। ओवर टू मैम। धन्यवाद समता मैम। आप सभी को सुप्रभात। आज हम सभी यहाँ शिक्षाविद, कवयित्री और मायर की संस्थापिका स्वर्गीय श्रीमती शांति गुप्ता जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप में से प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमती शांति गुप्ता सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की ओर से मैं डॉक्टर रेणु गुप्ता योग्य अध्यक्ष मायर संस्थानों के समूह को अपना बहुमूल्य समय देने और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ तथा हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद रीटा मैम। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रीमती शांति गुप्ता जी की जीवनी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ मैं ज्वाइंट डायरेक्टर मायर एंड डायरेक्टर CWS और साथ ही उनकी पौत्र वधू भी श्रीमती रूपा गुप्ता जी को। Over to ma'am. धन्यवाद मैम। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे श्रीमती शांति गुप्ता जी, जो कि मेरी दादी सास थी और जिन्हें हम प्यार से मम्मी जी कहते थे, उनकी जीवनी आप सबके सामने पढ़ने का अवसर मिला है। मम्मी जी से मुझे बहुत प्यार मिला, अच्छे संस्कार और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला। श्रीमती शांति गुप्ता जी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और अद्भुत था। इनका जन्म 24 सितंबर 1919 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। श्रीमती शांति गुप्ता जी की प्रारंभिक शिक्षा चकवाल में हुई। सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने के लिए इन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। माता पिता का चकवाल से पेशावर तबादला होने के बाद इन्होंने अपनी माता जी के स्कूल एसटी गर्ल्स हाई स्कूल पेशावर में 1932 में मिडिल स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। धन्यवाद मैम। बहुत ही विलक्षण और अविश्वसनीय जीवन रहा है कवयित्री शांति गुप्ता जी का। उस एमएड सेमेस्टर सेकंड की छात्राओं को, जो हम सबके समक्ष कवयित्री शांति गुप्ता जी की कविताओं दीपको जलते चलो काव्य संग्रह चित्तौड़गढ़ और मजदूरन काव्य संग्रह दीन कुटी कविताओं का सस्वर वाचन करेंगी। नमस्कार, मैं दीपाली गौतम आप सबका अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार हमारे आदरणीय महोदय, आदरणीय अध्यापकगण, आदरणीय निर्मातागण, मेरे प्यारे मित्रों और सहपाठियों, मैं दीपाली गौतम कक्षा बीएड सेमेस्टर सेकंड की छात्रा आपके सामने श्रीमती शांति गुप्ता जी द्वारा लिखित कविताओं का संग्रह चित्तौड़गढ़ से एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
आशा करती हूँ आपे बहुत पसंद आएंगी। तो इसका शीर्षक है दीप को जलते चलो। दीप को जलते चलो, तुम दीप को जलते चलो। आज अंधेरी निशा है, आज अनजानी दिशा है, ले आमंद नवीन। आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम नेहा बरगोत्रा है और मैं एमएड सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। यह मेरा सौभाग्य है कि श्रीमती शांति गुप्ता जी की रचित कविता प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है। उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है मजदूरन, जो कि उनकी दीनकुटी किताब से ली गई है। मजदूरन कविता एक गरीब औरत की अवस्था को दर्शाती है। इस कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं। यह मजदूरन नित्य यहाँ टोकरी उठाने आती है, मैले चिथड़ों में लिपटा नवजात बाल संग लाती है। बाल जन्म से पहले भी ये काम यहाँ पर थी करती, चौथी मंजिल पर ले जाकर पल पल की गारा धरती। कठिन काम को पाकर भी ना कभी मुख से सी करती, फिर कभी मालिक की डांट ऊपर से व्यर्थ। बहुत ही उत्तम काव्य संस्मरण था। दोनों ही कविताओं से हमें पता चलता है कि कवियत्री जहाँ संवेदनशील और दूसरों के दुख दर्द को समझने वाली शख्सियत थी, वहीं दूसरी ओर दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने वाला उनका व्यक्तित्व था। आगे का कार्यक्रम तो और भी रोमांचित होने वाला है, क्योंकि आज हम सबके बीच उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध डोगरी कवि, साहित्यकार व संगीतकार श्री ब्रिज मोहन शर्मा जी। डोगरी साहित्य में इनका योगदान अतुलनीय है। अनेक पुरस्कार इन्हें साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। हिंदी भाषा और डोगरी भाषा में इनके अनेक कैसेट्स उपलब्ध हैं। बहुत सी बॉलीवुड हस्तियों के साथ काम करने का सुअवसर इन्हें प्राप्त हुआ है। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री ब्रिज मोहन शर्मा जी को, जो कवियत्री शांति गुप्ता जी के काव्य को संगीत के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ओवर टू सर। स्वर्गीय शांति गुप्ता जी को, उनकी स्मृति को मेरा साक्षात नमन। मैं आभारी हूँ मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन का, जिन्होंने मुझे मेरे कलाकारों समेत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। ये कहावत केवल कवियों पर ही लागू होती है, क्योंकि केवल कवि के पास ही ऐसी सूक्ष्म दृष्टि होती है जिससे वह छोटी से छोटी वस्तु में भी उसकी गुणवत्ता तलाश कर उस पर शब्दों का संसार रच सकता है। अब मैं संगीत संध्या की ओर चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं लवली चंद्रा जी को निमंत्रण देता हूँ, तो उनके बारे में मैं बताता हूँ। लवली चंद्रा जी आकाशवाणी दिल्ली की एक क्लास कलाकार हैं। इनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जिस भी रचना को अपना स्वर देती हैं, उसे ऐसा आत्मसात कर लेती है कि गीत और गायिका अलग अलग नहीं बल्कि एक दिखने लगते हैं। अपनी इसी कला के बदौलत इन्होंने अभिजीत भट्टाचार्य, अनुराधा पौडवाल, ऋचा शर्मा, साधना सरगम और मोहम्मद अजीज जैसे बॉलीवुड गायक कलाकारों के साथ गाया है। मायर कॉलेज के तराने में भी इन्होंने अपना स्वर दिया है। आजकल जो हनुमान चरितमानस के लिए गा रही हैं, जी हाँ, हनुमान चरितमानस, रामचरितमानस तो आपने सुना होगा, एक किसने ये हनुमान चरितमानस लिखा है, उसके लिए ये अपना स्वर दे रही है। आइए इनसे सुनते हैं स्वर के शांति गुप्ता जी की भक्ति रचना, मैं विनय सुनाने आया। मेरा नमस्कार, प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है सब तक?
तो मैं मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बहुत आभारी हूँ कि मुझे भी श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती शांति गुप्ता जी की एक रचना गाने का अवसर दिया गया है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इसको गाने का प्रयास करती हूँ। सोनाली डोगरा जी को निमंत्रण दे रहा हूँ कि वो अपना गीत हमें सुनाएंगे। सोनाली डोगरा जी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि सोनाली डोगरा जी एक प्रतिभाशाली गायिका हैं। ये भाई साहब पंजाब छूना है आसमान डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन और कई प्रतियोगिताओं की सबसे पहले नमस्कार। मायर एजुकेशन मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं इस वर्चुअल इवेंट का हिस्सा बन सकूं और साथ ही साथ इतनी खूबसूरत रचना को मैं प्रस्तुत कर सकूं जिसे लिखा है स्वर्गीय श्रीमती शांति गुप्ता जी ने और संगीतबद्ध किया है ब्रिजमोहन जी ने और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे निभा पाऊं। तो उम्मीद करती हूं आप सबको ये जरूर पसंद आएगी। व्यापार किया मैंने भी क्या व्यापार किया मैंने भी क्या व्यापार किया मैंने भी क्या व्यापार किया सुख स्वप्न लुटा कर सब अपने सुख स्वप्न लुटा कर सब अपने दुख का केवल उपहार लिया मैंने भी क्या। अभी जो हमारी अगली गायिका कलाकार हैं वंशिका जराल जी हैं ये भी आपको अपना गीत सुनाएंगी। वंशिका जराल जी एक होनहार गायिका है। छोटी सी उम्र में अपनी कला की बदौलत इन्होंने गायकी में एक क्लास हासिल कर ली है। ये डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन के विजेता रही हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कॉलरशिप होल्डर भी हैं। नमस्कार। आज ये रचना प्रिय अब तक क्यों जान ना पाए प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसे स्वरबद्ध किया हुआ है हमारे जम्मू के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार श्री ब्रिजमोहन जी ने और
इस रचना में आपको राग की वाणी की थोड़ी सी झलक दिखेगी, तो मैं शुरू करती हूँ। जिस तरह से कवयित्री शांति गुप्ता जी की कविताओं को संगीत की अभिव्यक्ति दी है, उससे हम सबका मन भाव विभोर हो गया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आज हम सबके बीच हमारे एलुमनाई भी उपस्थित हैं, जो हमारे साथ अपने अनुभवों और विचारों को साझा करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ अमरजोत चौहान, MD इंफोवर्क, और प्रियंका चौधरी को गुलिस्तान से। सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। मैं सीरियसली आज बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ, क्योंकि ये आज पहला इवेंट है, म्यूजिकल इवेंट, जिसपे चेयरमैन सर आज नहीं है। और मैं दो बार इमोशनल हो चुकी थी, और थोड़ा सा क्योंकि सर, जैसे कि ब्रिजमोहन सर ने भी कहा कि वो इतने ज़्यादा म्यूजिक के गुणी थे, रागों की पहचान थी उन्हें, आप कोई भी गाना आप कह लीजिए, उनको हमेशा हर राग की नॉलेज होती थी। तो मेरे लिए मायर एक खास एक हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मैं स्टूडेंट रही हूँ, उसके बाद मैं एक मेंबर रही हूँ, फैकल्टी मेंबर थी। तो अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछें, तो एक स्टूडेंट की जर्नी जब स्टार्ट होती है, सीखना शुरू किया, और फिर जब मैं टीचर रही हूँ तब भी मैंने सीखा, और मेरी बहुत सारी चीज़ें, मेरी बहुत सारी, जो कहते हैं ना कि एक ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कॉलेज से सिर्फ पढ़ाई ही लेकर बाहर आते हैं, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है एक कॉलेज से होती है। और मेरी खास तौर से मायर से जो जर्नी रही है, मेरी एंकरिंग की जो कह लीजिए एक शेप जो प्रॉपर मुझे दी गई है, वो मायर से है। मेरी सिंगिंग को निखारा है वो सर मैम, अक्सर सुनते थे मुझे जब भी मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे नहीं याद है कि कभी ऐसा हुआ हो मैं सर से मिलने गई हूँ और उन्होंने मुझसे गाना ना सुना हो। और मैम की वो प्यार भरी डांट, और उस डांट में हमेशा मुझे, हमेशा, मैं सीरियसली बता रही हूँ, हमेशा मुझे सीखने को मिला है। सर मैम से मैंने डिसिप्लिन सीखा है, रुचिका मैम से मैंने प्रोफेशनलिज्म सीखा है, और रूपा मैम से मैंने इन सभी चीज़ों के साथ, आप कैसे ज़मीन के साथ जुड़े रहते हो, ये मैंने रूपा मैम से सीखा है। तो आप देखिए ये पूरी फैमिली मेरे लिए कितनी मायने रखती है। मैं सीरियसली आज ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप शायद मुझसे मेरी भावनाओं को शायद समझ पाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मायर मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, और इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी।
सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. A very good afternoon to each and everyone who is present here. And it's very important for all of us to remember the date. That is 24th of September. और आज की तारीख सन 1919 से लेकर सन 1999 तक अगर का इस पूरे टेन्योर का अगर मैं जिक्र करूं तो ये सिर्फ कुछ साल नहीं थे, बेहतरीन साल थे. महिला सशक्तिकरण के कुछ बेहतरीन साल थे. महिलाओं को आज अगर टेबल पर बैठकर वार्तालाप करने का मौका मिला, कोई था इसके पीछे? मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी श्रीमती शांति गुप्ता जी का, क्योंकि आज की शुरुआत अगर लुधियाना में पैदा होकर और उसके बाद एक सफर वहां से शुरू कर और फिर जम्मू के शहर में आना और मंदिरों के शहर में महिलाओं को और भी खूबसूरती से सबके समक्ष रखना, ये कार्य एक महिला ही कर सकती थी और ये उन्होंने भी किया है. कुछ पल उनके साझा करना चाहूंगी आपके साथ. आज भी मुझे याद है जब मेरा पहला दिन मायर कॉलेज में था, एक बीएड की स्टूडेंट में रही, और 2017 में जब मैंने कदम रखा तो एक अजीब सी गुदगुदाहट, सनसनाहट, दबदबाहट, फटफटाहट, सब कुछ हुआ यहाँ पर. लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बाद मेरा व्यक्तित्व इतना निखर कर आएगा कि आज मैं जो कुछ हूँ यहाँ पे बैठी हर एक फैकल्टी मेंबर की वजह से हूँ. और श्रीमती शांति गुप्ता सेंटर फॉर विमेन स्टडीज एक्चुअली प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज कोई भी फंक्शन होता था ऑडिटोरियम में हम चले जाते थे. And I was the one who was the leading each and every competition as an anchor. And she वही एक मेरे व्यक्तित्व को निखारते हुए मुझे एक पहचान मिली. आज सब कुछ किया मैंने, गाने भी गाए, और यहाँ पर अगर चेयरमैन सर का जिक्र हो रहा है तो मुझे आज भी याद है जब NAC का पहला फंक्शन मेरा यहाँ पर था तो जब मेरी उनसे भेंट हुई, उनके साथ बातें बातें मैंने की और उन्होंने कहा चलो गाना भी गाती हूँ, गाना सुनाओ मुझे. और मैं थोड़ा डर गई कि ठीक है मुझे गाना सुनाना है. द बेस्ट सॉन्ग of my life and the favorite song of mine maine unke sath saanchha kiya, main chahungi aap sabke sath bhi main zarur wo saanchha karun. Chhan chhan panjeeb meri chhanke nachne ki aaye mile ja dil jaaniya dil tu bhi yaad karda hai. Chhan chhan panjeeb meri chhanke, इससे मैंने अपनी शुरुआत की. और उसके बाद उन्होंने मुझे एज यूजुअल ग्रीन सिग्नल दिया. और हर बार एंकरिंग की ना मेरे पास बहुत सी फाइल्स इकट्ठी हो जाती थी. मेरे रूम में इतने नोट्स नहीं होते थे जितनी एंकरिंग की फाइल्स होती थी. ऑल द क्रेडिट गोज टू कोमल मैम. प्रियंका यू हैव टू बी रेडी एंड यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, बिकॉज एवरी टाइम शी वाज द वन. एक्चुअली पर्टिकुलरली किसी फंक्शन को लेकर अगर कोई कंसर्न होता था तो मैंने वो ललक मैम के व्यक्तित्व में देखी. आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे वो कहते ना कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तो मेरी पहचान करने वाला यहाँ पे हर एक मेंबर है. आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ पर, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन हाँ जितना कुछ भी मैंने अचीव किया है मायर का बहुत बड़ा हाथ रहा है. मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो अच्छा जम्मू में कहाँ पे मायर से पढ़े, अच्छा तो मायर से पढ़े, अच्छा तो मैं वहाँ उनको भी जानते होंगे, तो वहाँ उनको भी जानते होंगे, उनको भी जानते होंगे. तो मुझे लगता है कि मायर का नाम सदियों से सदियों और शायद पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजता आया है, गूंजता रहेगा और रहना भी चाहिए. और श्रीमती शांति गुप्ता जी की अगर मैं बात करूँ तो मैं डोगरी गानों से बहुत प्यार था. मैं डोगरी से गिलाना चाहूँगी हिंदी बारे से. जेकर ये लुधियाना सफर शुरू किया, फिर अपनी बाकी की पढ़ाई भी की, उसके बाद जेकर ये गल करा तो स्कॉलरशिप लेई है कुड़ियां, देखो उनते बड़ा कुछ करा देना है, तो उन्होंने उस टाइम पर किया था जिसमें इन अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी ही. उसके बाद इधर आए तो वो ही है, इधर आए साड़ी धी भी बने, तो साड़ी धी कि कुछ प्रोवाइड किया उन्हें, तो उनकी एक नक्शे कदम उपर उनकी नूह भी चले, उन्हें पुत्रा भी चला देना है. हूँ अगे तुम दिखते जाओ दिन रात तरक्की जी होती रहनी है, वो जम्मू कश्मीर की कुड़ियों होती रहनी है. तो उनका एक मन पसंदीदा जोड़ा गाना हा मैं तुम्हें क्या साझा करना चाह. तू मला तू लोक पन्न ठीकरिया बदाम पने तू, तू मला तू निलोक पन्न ठीकरिया बदाम पने तू, तू मला तू निलोक बोन कंडिया निया करे तू.
ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸੱਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਮੀ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਲਾਈਕ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਾਣੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਮਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ समता मैम मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी सॉरी मैं ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि मैं वैसे ही म्यूजिकल थोड़ा सा उससे हूँ और जब गाने सुने सर का जिक्र हुआ और खास तौर पे जब शुरू में ही उनका नाम लिया और मैं देख रही थी सब बैठे हुए हैं तो मुझे बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल दो बार तो मैं गायब हो गई थी मैं बहुत ज्यादा मतलब दो तीन बार रोई हूँ तो मैं कुछ नाम लेना भूल गई थी जैसे इन्होंने भी प्रियंका जी ने नाम लिया कोमल मैम हम सब की फेवरेट है और उनको थैंक्स किए बिना तो ये एक बहुत अधूरा रहेगा स्पेशली स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी कोमल मैम को और इवन सभी को जितने भी बीएड फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे उन सबको थैंक्स करना चाहूंगी और मॉडल एकेडमी से हमारे प्रिंसिपल सर हमारे वाइस प्रिंसिपल सर और स्पेशली मंजू मैम जिनसे मैंने बहुत सारी वोकैबुलरी सीखी है और उनको थैंक्स ना करूं तो मैम का फोन आ जाएगा बहुत सारी डांट पड़ेगी सो मायर और मॉडल एकेडमी एक ऐसा फैमिली का एक हिस्सा है मेरे लिए मैं फैमिली मेंबर समझती हूँ खुद को जिन्होंने हम सब की जिंदगी में बहुत खास रोल प्ले किया है और हम लोग सीरियसली जब जब मायर का जिक्र होता है तो अपने आप को हम लोग मैं खास तौर पे मैं मुझे लगता है सब इस चीज से अग्री करेंगे कि बहुत ज्यादा खुशनसीब महसूस करते हैं कि जब भी मायर का जिक्र होता है हमें खुशी महसूस होती है कि हाँ हम भी इसका एक हिस्सा है सो थैंक यू सो मच जितने भी लोग आज जुड़े हैं जितने भी सिंगर्स हैं ब्रिजमोहन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन थी सिंगर्स भी बहुत अच्छे थे और बस यही कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच आप गाना भूल गई है या आप ही गाती है नहीं मैम मैं जरूर शेयर करूंगी मैंने भी सर से पहली बार जो गाना गाया था मैं डेफिनेटली वही आपसे शेयर करना चाहूंगी सर मुझसे ज्यादातर पंजाबी गाने सुनते थे वो था मैं कोशिश करूंगी क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू है दो लाइनें सुनाऊंगी साडा चिड़ी दा चंबा वे बाबला वे साडा चिड़िए दा चंबा वे बाबला वे असाड़ जाना असा टुर जाना साडा चिड़िए दा चंबा वे बाबला वे साडा चिड़िए बहुत ही बढ़िया अमर मैम एंड प्रियंका मैम आपके अनुभवों और मायर कॉलेज के बारे में अपनी भावनाओं को जिस तरह से हम सबके साथ बांटा बहुत ही अद्भुत मैं आमंत्रित करती हूँ चेयरपर्सन मायर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर रेणु गुप्ता जी को कि वे आज के इस कार्यक्रम के विषय में कुछ शब्द कहें तथा शांति गुप्ता जी के साथ बिताए गए जीवन के कुछ अनुभवों को साझा करें ओवर टू मैम थैंक यू समता आज के प्रोग्राम में उपस्थित सभी लोगों को मैं वेलकम करती हूं उनका अभिनंदन करती हूं नाम लिए बगैर बहुत सबके नाम जो हैं वो लिए गए हैं और हम सबसे फेमिलियर हो चुके हैं तो मेरा काम जो है काफी आसान हो जाता है मैं यही कहूंगी कि मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब ने मिलकर श्रीमती शांति गुप्ता जी की जयंती पर उनको एक कवित्री के रूप में याद करते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम श्रीमती शांति गुप्ता केंद्र की ओर से आयोजित किया गया है यह महिला केंद्र का नाम ही श्रीमती शांति गुप्ता सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज उनको श्रद्धांजलि देते हुए रखा गया था श्री एच एल गुप्ता मायर के फाउंडर थे उन्होंने मॉडल एकेडमी स्कूल की स्थापना 1936 में की थी फिर शादी के बाद श्रीमती शांति गुप्ता जी ने उनका पूरा साथ दिया वह छोटा सा स्कूल एक बट वृक्ष की तरह फैलता गया और मायर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बन गया यह सब हमारे दोनों फाउंडर्स के अथक परिश्रम का फल था
आज हम उनकी मेहनत के कारण सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमती शांति गुप्ता एक धनी शख्सियत की मालिक थी। वह ना केवल उस समय की बीए बीएड पास थी, उसमें बीएड भी नहीं होता था, बीटी होता था, अपितु उन्होंने कॉलेज में शिक्षिका के रूप में काम भी किया था। वह एक अच्छी शिक्षक होने के साथ साथ कई कलाओं में निपुण थी, जैसे सिलाई कढ़ाई, प्राथमिक चिकित्सा, खाना बनाना, सेवा भाव, राजनीति, कविताएं लिखना और बहुत अच्छी वक्ता होना। आज हमने उनको एक हिंदी कवित्री के रूप में सुना, जाना और पहचाना। उनकी हिंदी की लिखाई बहुत सुंदर थी, आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन में, जो कि उनकी क्रिएटिव पर्सनैलिटी होने का इशारा भी करती है। तो मैं यही कहूंगी, ऑल इन ऑल शी वॉज अ मल्टी टैलेंटेड वुमन। तो ये सब देखते हुए हमारे चेयरमैन लेट डॉक्टर अरुण गुप्ता ने उनके बारे में एक किताब भी लिखी और किताब का शीर्षक है श्रीमती शांति गुप्ता एक प्रकाश पुंज, जो उनके जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालती है। तो ये मैं आपसे किताब जो है वो साझा करना चाहूंगी। ये किताब लिखी थी और ये हमारे पास है, अगर जो भी कोई इंटरेस्टेड होगा हम उसको भी दे सकते हैं, खासकर जो पोएम में इंटरेस्टेड हो, गीत में इंटरेस्टेड हो। सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस बुक विद यू। और इसी किताब की एक घटना जो है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। शुरुआती दौर में मायर के फाउंडर मिस्टर एचएल गुप्ता, जो श्रीमती शांति गुप्ता के पति भी थे, उनके लेखन को प्रोत्साहित नहीं करते थे, परंतु उनका उत्साह व प्रेरणा देखकर उन्होंने कहा, वो उन्हें परखना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कुछ रचनाएं जो है उनका मूल्यांकन करने के समय उनको भेजिए किसी उल्लेखनीय कवियों के पास। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि कुछ कविताएं श्री हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, निराला व पंत जी को भेजी गई। पढ़ने के बाद उन्होंने गुप्ता जी से कहा, उनकी रचनाएं तो मरुस्थल में जैसे पौधा फूट पड़ने जैसी हैं। सो मतलब दे अप्रिशिएटेड हिम। तब से मिस्टर एचएल गुप्ता जी ने उनको कविताएं लिखने के लिए स्वयं प्रेरित किया और उनको एक गोल्डन लीफ वाली एक डायरी भी प्रेजेंट की कि आप इस पे लिखेंगे, बढ़िया सी बुक जिसके वो गोल्डन होते हैं। तो ही देन केम अराउंड एंड स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। तो श्रीमती शांति गुप्ता कविताएं लिखने के अलावा नाटक, कहानियां, लेख, संस्मरण तथा बच्चों के लिए किताबें भी लिखती थी। तो जिनके जन्मदिन को आज मना रहे हैं उनके लिए रोशनी बनकर आए हमारी जिंदगी में, ऐसे शिक्षाविदों को हम प्रणाम करते हैं, जमीन से आसमां तक, पहुंचाने का रखते हैं हुनर, ऐसे पूजनीय, श्रीमती शांति गुप्ता, श्री एच एल गुप्ता, डॉक्टर अरुण के गुप्ता जी को हम दिल से सभी सम्मान करते हैं, यहाँ उपस्थित सभी सर्वजनों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ की प्रिय श्रीमती शांति गुप्ता जी के काव्य संस्मरण समारोह के शुभ अवसर के लिए एकत्रित हुए हैं, जहाँ हम इस खूबसूरत समारोह के अंत तक पहुँच गए हैं। आज मुझे इस शुभ अवसर पर धन्यवाद प्रस्तुति का मौका पाकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, जिसके लिए मैं श्रीमती शांति गुप्ता सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की प्रबंधन कमेटी का धन्यवाद करती हूँ। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात विद्वान और महान व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं, वे जीवन भर अपने आदर्शों पर अडिग रहते हैं। ये उक्ति आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का केंद्र श्रीमती शांति गुप्ता जी के ऊपर पूरी तरह चरितार्थ सिद्ध होती है। वो
वो सचमुच में विलक्षण प्रतिभा होता। इसी के साथ मैं समता डोगरा आज के कार्यक्रम को विराम देती हूँ। धन्यवाद। खुद को कोरोना काल में सुरक्षित रखें।